स्वागत है दोस्तों आप लोग आज का क्लास में। आज हम लोग भूगोल का एक टॉपिक ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे। इसके लिए चैनल संदीप कुमार 99 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर देखते हैं कि ग्लोब पृथ्वी का एक छाया है, पृथ्वी का एक छोटा रूप माना जाता है। जिस ग्लोब पे हम लोग पूरा का पूरा पृथ्वी को इस पे दर्शाते हैं। इस ग्लोब में सबसे ऊपर में नॉर्थ पोल होता है और नीचे में साउथ पोल होता है। ग्लोब पे एक बीचों बीच एक रेखा होता है, जिस रेखा को हम लोग यह रेखा 0 डिग्री पे रहता है। कितना रहता है? 0 डिग्री पे। और इस रेखा को 2-3 नाम से जाना जाता है, जैसे कि इस रेखा को इक्वेटर लाइन बोला जाता है, 0 डिग्री देशांतर बोला जाता है और विषुवत रेखा बोला जाता है, साथ में इसको भूमध्य रेखा भी बोला जाता है। चलिए आपको सारा नाम हम लिख देते हैं, क्या क्या नाम बोला जाता है। तो विषुवत रेखा और क्या भूमध्य रेखा, फिर 0 डिग्री देशांतर, ये इक्वेटर, ये सारे नाम से जाना जाता है। जस्ट इसके बाद एक और रेखा पारा जाता है, जो रेखा 23.5 डिग्री पे होता है ऊपर में, एक रेखा नीचे में 23.5 डिग्री पे पारा जाता है। और एक और रेखा जो होता है वो 66.5 डिग्री पे नॉर्थ की साइड में और 66.5 डिग्री साउथ के तरफ में होता है। चलिए आगे देखते हैं कि 23.5 डिग्री दक्षिणी में, जो दक्षिण की ओर होता है, साउथ में होता है, इसको हम लोग मकर रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? मकर रेखा। और 23.5 डिग्री उत्तर में होता है, उसे हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो सूर्य जो होता है, यह सूर्य हमेशा, यानी कि कह सकते हैं विषुवत रेखा पे, यानी कि 0 डिग्री देशांतर पे चमकता है हर समय, इसलिए इस क्षेत्र पे सबसे ज्यादा गर्मी पड़ता है। सूर्य जो है वो ऊपर में कर्क रेखा तक और नीचे में मकर रेखा तक ही जा पाता है, जिसके वजह से सबसे अधिक गर्मी 0 डिग्री देशांतर में पड़ता है। क्यों? इसका देख सकते हैं कि जैसे कि सूर्य यहाँ पे अगर जाएगा तो सूर्य का किरण इधर कुछ हिस्से में चमकेंगे और कुछ इस हिस्से में चमकेंगे, और सूर्य अगर जो यहाँ पे आएगा तो भी सूर्य का किरण इसी हिस्से पे चमकेंगे। अगर जो सूर्य मकर रेखा पे आता है तो भी सूर्य का किरण कुछ इस हिस्सा में जाएगा और कुछ इस हिस्सा में आएंगे। इस वजह से आप ध्यान से देखें तो सूर्य जब यहां था तो भी यहां पे चमक रहा है, और जब सूर्य यहां है तो भी इधर चमक रहा है, और जब मकर पे है तो भी चमक रहा है, जिस वजह से इस क्षेत्र में यानी कि 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ता है, इसलिए इस क्षेत्र को हम लोग उष्ण क्षेत्र बोला जाता है। आगे अगर बात किया जाए कि इस क्षेत्र को जब सूर्य यहां पर रहता है तो कुछ यहां पे गर्म, यानी कि सूर्य के किरण की वजह से कुछ गर्मी महसूस होता है और कुछ ठंडा भी होता है, जिसके वजह से इस वाले क्षेत्र को हम लोग शीतोष्ण क्षेत्र बोलते हैं। जस्ट यहां भी वही होगा, शीतोष्ण क्षेत्र। और यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री के बीच कौन सा क्षेत्र होता है? शीतोष्ण क्षेत्र। और 0 डिग्री से 23.5 डिग्री के बीच में कौन सा क्षेत्र होता है? उष्ण क्षेत्र। और ऊपर वाले क्षेत्र पे कभी भी सूर्य के किरण नहीं पहुंच पाता है, जिसके वजह से यहाँ पे और यहाँ पे भी इस क्षेत्र में, यानी कि 66.5 डिग्री से हमारे पोल तक,
यहाँ कभी भी किरण सूर्य के किरण नहीं पहुंच पाता है, जिसके वजह से यहाँ पे हमेशा ठंडा ही ठंडा रहता है। इसलिए इस क्षेत्र को हम लोग शीत क्षेत्र बोलते हैं। ये आप लोग को टॉपिक मेरे हिसाब से बहुत अच्छे तरह से समझ में आया होगा कि किस वजह से कहाँ पे ज्यादा गर्मी और कहाँ पे ज्यादा ठंडा पड़ता है। पोल पे सबसे कम ठंडा पड़ता है और यहाँ पे ध्रुव पे यानी कह सकते हैं 0 डिग्री पे सबसे ज्यादा गर्मी पड़ता है। इस दोनों क्षेत्र को आप ध्यान से याद रखेंगे। और इधर में जो रेखा पर आ गया है 23.5 डिग्री नॉर्थ कर्क रेखा, 23.5 डिग्री साउथ मकर रेखा, 0 डिग्री देशांतर भूमध्य रेखा और विषुवत रेखा, इस सारे नाम से जाना जाता है। और हमेशा आप ध्यान दीजिएगा, जब भी ग्लोब हम लोग पाते हैं तो ऊपरी भाग को हम लोग नॉर्थ बोलते हैं और निचली भाग को हम लोग साउथ बोलते हैं। आप लोग अगर जो हमारा भारत के बारे में अगर जो आप जानते हैं तो भारत जो पड़ता है नॉर्थ की तरफ पड़ता है। वो कहाँ पड़ता है? तो यहाँ पे पड़ता है, ठीक है, यहाँ पे। यानी कि ये जो 23.5 डिग्री जो देशांतर रेखा है वो भारत को बीचों बीच काटती है। क्या करती है? बीचों बीच काटती है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि कर्क रेखा भारत को दो भागों में विभाजित करती है। जिस प्रकार से ये 0 डिग्री देशांतर जो था पृथ्वी को दो भागों में विभाजित करती है, उसी प्रकार से कर्क रेखा भारत को दो भागों में विभाजित करती है। ये टॉपिक आप लोग को बहुत अच्छे तरह से समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो इसी प्रकार से देखने के लिए चैनल संदीप कुमार 99 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।